गाइज ओप्पो का F27 सीरीज लॉन्च हो चुका है जिसमें तीन वेरिएंट को निकाला गया है। पहला है ओप्पो F27, दूसरा है ओप्पो F27 प्रो, तीसरा है ओप्पो F27 प्रो प्लस। और तीनों स्मार्टफोन्स में आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेगा। तीनों में एक बड़ी सी एमोलेड कर्व डिस्प्ले है, स्क्रीन में पंच होल डिजाइन है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का प्रोसेसर ओप्पो F27 प्रो प्लस में देना चाहिए, तो इसको दे दिया है ओप्पो F27 वेरिएंट में। और प्रो प्लस में दे रखा है डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर, जो कि अच्छा प्रोसेसर है, बट स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 लेटेस्ट प्रोसेसर है। और ओप्पो F27 प्रो में प्रोसेसर मिलेगा डायमेंसिटी 7020 का, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। आजकल तो लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन्स में AI प्रोसेसर का यूज करा जा रहा है, जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और पावर भी कम कंज्यूम करते हैं, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस भी तगड़ी हो जाती है। एंड रैम और स्टोरेज की बात करें तो F27 में मिलेगा 8256 और F27 प्रो में भी मिलेगा 8256, और इसमें 512GB स्टोरेज भी मिल सकता है। एंड ओप्पो F27 प्रो प्लस में आपको मिलेगा LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज। ये काफी एडवांस फीचर्स है इस वेरिएंट में, यानी आपको रैम की टेंशन नहीं लेनी, स्टोरेज की भी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन भाई कैमरा के साथ बहुत गलत किया है ओप्पो वालों ने। F27 में मिलेगा 3 कैमरा, बैक साइड में 50-50 के 2 है, एक 32 मेगापिक्सल का एंड 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। एंड F27 प्रो में मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, एक है 13 मेगापिक्सल का, एक है 2 मेगापिक्सल का एंड फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। एंड इसका जो सबसे पावरफुल वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है एंड फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इसमें तो ठीक ठाक कैमरा तो दे ही सकते थे। ऐसा ही डिफरेंस आपको देखने मिलेगा इसके बैटरी में। ओप्पो F27 में मिलता है 5000mAh की बैटरी एंड 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और ओप्पो F27 प्रो में मिलता है 5000mAh की बैटरी के साथ 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, और वहीं ओप्पो F27 प्रो प्लस में मिलता है 5000mAh की बैटरी के साथ 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। ओप्पो वालों को इसमें कम से कम 100 या 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो देना ही चाहिए। एंड बाकी आपको एडिशनल फीचर्स में वही सारी चीजें आपको मिल जाती है जो हम अदर स्मार्टफोन्स में देखते हैं। सो बाकी आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करना। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।